कवि पद्मा करके कवि पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पहला कवि पढ़ा था। पहले कवि में कवि ने पति पावनी गंगा मैया की महिमा का वर्णन करते हुए और किस तरह से गंगा जो है वो प्रकट हुई और किस प्रकार वो धरती पर लोगों का उद्धार कर रही है, इसके बारे में कवि ने जो है उस कवि में बताया था। अगला जो कवि है दूसरा, वो भी पवित्र पतित पावनी गंगा जो है उसके द्वारा किस प्रकार से पतित लोगों का उद्धार किया जा रहा है और किस प्रकार गंगा के इस प्रण के कारण जो यमलोक के जो द्वार हैं वो बंद हो गए हैं, अर्थात उस पर ताले लग गए हैं, किस प्रकार से गंगा जो है उन लोगों को स्वर्ग में भेज रही है, उनका उद्धार कर रही है, ऐसे उस गंगा मैया के पुनित कर्मों का जो है कवि ने इस कवि के अंदर वर्णन किया है और इस तरह से बताया है कि आज तक किसी ने इतने लोगों का उद्धार नहीं किया जितने लोगों का उद्धार गंगा मैया ने किया है। इतने लोगों का उद्धार किया है कि जितने तो आसमान में तारे भी नहीं, अर्थात तारों से भी अधिक लोगों का अब तक गंगा जो है इस धरती पर उद्धार कर चुकी है। इसी महिमा का इसमें वर्णन है, तो देखिए कि जमपुर द्वारे लगे तीन में कमरे को है न रखवारे ऐसे बंद के उधारे है कहे पद्मा कर तिहारे प्रण धारे देव कर अब भारे सूर्य लोक को सिधारे है सुजन सुखारे करे पुण्य उजियारे अति पतित पितारे भव सिंधु के उतारे है काहू ने न तारे पीने गंगा तुम तारे और जेते तुम तारे देते नभ में न तारे है जेते तुम तारे देते नभ में न तारे है। अर्थात कवि पद्माकर कहते हैं कि हे गंगा मैया, जब से आपने इस धरती पर आकर और इस प्रकार पतित लोगों का उद्धार करने का प्रण धारण किया है, तब से यमपुर अर्थात यमलोक जो है उसके द्वार पर दरवाजे बंद हो गए हैं। कहने का मतलब लोग जो है यमलोक में जाना बंद हो गए। जब से तुमने लोगों के उद्धार करने का प्रण लिया है तब से यमलोक के दरवाजे बंद हो गए हैं, अब वहां किसी प्रकार के कोई रखवाले नहीं है। पहले तो वहां दरवाजे खुले होते थे, वहां द्वारपाल होते थे, लेकिन अब जब वहां कोई जाता ही नहीं है तो यमलोक के द्वार जो है वो बंद कर दिए गए हैं और न ही अब वहां कोई रखवाले हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा यमलोक जो है वो उजड़ गया, वीरान हो गया, कोई वहां रहता ही नहीं, न वहां दरवाजे खुले न वहां पहरेदार। इस प्रकार से तुमने जब से पतित लोगों के उद्धार का प्रण किया है तब से यमलोक का सारा काम बंद हो गया। इस प्रकार से लोग जो हैं आपकी कृपा से स्वर्ग को सिधार रहे हैं, अर्थात अब कोई भी नर्क में नहीं जा रहा, चाहे कैसा ही पतित है आप जो है उसका उद्धार करती हैं और आपकी कृपा से उसका उद्धार हो जाता है और वो नर्क में न जाकर सीधा स्वर्ग लोक में जा रहा है। कवि कहते हैं कि जो सज्जन लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, अर्थात ऐसे श्रेष्ठ लोग अपने पुण्य कर्मों के द्वारा अच्छे कार्य करके और धरती पर रहते हुए सुख पा करके और अंत में स्वर्ग को जाते ही हैं, लेकिन आपने तो जो पतित लोग हैं ऐसे कई पतितों को जो है इस भव सिंधु यानी संसार रूपी सागर से उतार दिया है। कहने का मतलब जो श्रेष्ठ लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो तो धरती पर रहकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो पुण्य करने से अच्छे कर्म करने से वो
वो तो स्वतः ही स्वर्ग में जाते हैं, वो तो स्वर्ग में जाते ही, लेकिन आपने तो जो पतित है, ऐसे कई पतितों को जो है इस भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार उतार दिया। यानी श्रेष्ठ लोगों का, सज्जन लोगों का तो वैसे ही उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो धरती पर रहकर सज्जनता के काम करते हैं। लेकिन आपने तो ऐसे पतित लोगों का उद्धार किया है, कितने ही पतितों का इस संसार रूपी सागर से उद्धार कर दिया है। ऐसे आप उद्धार दायी नहीं है। कहो के न तारे तीने गंगा तुम तारे, अर्थात आज से पहले किसी देवता ने, किसी भगवान ने इतने लोगों का उद्धार नहीं किया जितने लोगों को हे गंगा मैया आपने जो है तारा है इस भव सागर से पार उतारा है। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, और आपने तो इतने लोगों का उद्धार किया है इस धरती पर से, इतने लोगों को स्वर्ग में भेजा है कि इतने तो आसमान के अंदर तारे भी नहीं, यानी तारों से भी अधिक लोग, जितने आसमान में तारे हैं, असंख्य तारे, उनसे भी अधिक लोगों का आपने अब तक इस धरती पर उद्धार किया है, उनको तारा है। और इस तरह से पतित लोगों को जो है आपने संसार रूपी सागर से पार उतारते हुए उनको स्वर्ग में भेजा है। और इसलिए सभी लोग जब स्वर्ग में जा रहे हैं तो जो यमलोक है उसके तो दरवाजे ही बंद हो गए, वो तो पूरी तरह से उजड़ गया है, अब वहाँ किसी प्रकार का कोई काम जो है नहीं रहा, इसलिए वहाँ दरवाजे बंद हो गए हैं, ताले लग गए हैं, यानी लॉकडाउन हो गया। और आपने तो इस प्रकार पूरे यमलोक का जो है लॉकडाउन कर दिया है, क्योंकि जब वहाँ कोई जा ही नहीं रहे तो स्वाभाविक उन्होंने अपने घर के, अपने द्वार के ताले लगा के दरवाजे बंद। इस प्रकार से गंगा के जो पुनीत कर्म है, अर्थात गंगा जो है किस प्रकार इस धरती पर लोगों का उद्धार कर रही है, और किस तरह से लोग जो है अब नर्क में न जाकर स्वर्ग में जा रहे हैं, इस तरह के उस पुनीत कर्म का जो है बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन किया है। कवित की भाषा ब्रज है, छंद कवित है, साथ ही इसमें अनुप्रास और गौ सिंधु में जो है रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ। इस प्रकार गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए, गंगा को जो है पतित पावनी कहते हुए, उसके उस स्वरूप का जो है सुंदर अलंकारिक मनोहर चित्रण जो है कवि ने बहुत ही सरल, सहज, लोक प्रचलित एवं बहुत ही प्रभावमय भाषा शैली में जो है कवि ने सुंदर वर्णन किया। फिर तीसरा जो कवि थे उसमें भी गंगा की शोभा का वर्णन किया है कि गंगा धरती पर किस प्रकार से शोभित हो रही है, गंगा किस प्रकार से स्थित है, किस प्रकार वो भगवान शंकर के शिर पर जो है चंद्रमा की छटा के समान अपनी छटा को बिखेर रही है, शोभित हो रही है, उसी का जो है इसमें वर्णन किया गया है। इसमें भी गंगा की महिमा का वर्णन है, तो आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि कुरम पे कोल कोल हुपे से कुंडली है, कुरम पे कोल कोल हुपे से कुंडली है, कुंडली पे कभी फैल सुफद हजार की, कहे पद माता त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है तिथि रजत पहार की, रजत पहार पर सब सुर नायक है, सब पर ज्योति जटा झुंड है अपार की, शंभु जटा झुंड पे चंद की छुटी है छटा, चंद की छटा पे छटा है गंगाधार की, चंद की छटा पे छटा है गंगाधार की, के कोरम पे कोल कोल रूपे से कुंडली है, कुंडली पे फबो फैल सोफद हजार की, कहे पद्मा कर तो मन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है तिथि रजत पहार की, रजत पहार पर सब सुर नायक है, सब पर ज्योति जटा झुट है अपार की, सब जटा झुट न पे चंद की छुटी है छटा, और चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की, चंद की छटान पे छटा है गंगाधार की। इस तरह से गंगा जो है इस धरती पर विद्यमान है एक पिरामिड शैली के द्वारा यहां जो है उसका सुंदर वर्णन किया। कैसे
कि कुरम पे कौन, कुरम का मतलब कछुआ, कश्यप, कछुए पे यानी पर, कौन, कौन का मतलब वरा, सुवर, ये सब भगवान के अवतार है, कि कछुए के ऊपर सुवर है और कौरवों पे शेष, और कौरव यानी सुवर के ऊपर शेष अर्थात शेष नाम कुंडली, कुंडली बनाकर बैठा है, यानी कछुए के ऊपर सुवर है और सुवर के ऊपर सुवर्णित वराह, भगवान का जो वराह होता है, तो कश्यप के ऊपर तो वराह विद्यमान है और वराह के ऊपर शेष नाम जो है उसकी कुंडली है, यानी वो कुंडली बना के उस पर बैठा है, और कुंडली में खबो फेल सुखन हजार की, और उस कुंडली के ऊपर शेष नाम के जो सैकड़ों फण है वो फण जो है वो शोभित हो रहे हैं, और शेष नाम की कुंडली के ऊपर हजारों फण जो है वो फैले हुए हैं, किसके, शेष नाम, शेष नाम के हजारों फण जो है वो उस कुंडली पर शोभित हो रहे हैं। कवि पद्माकर जो फन पे फबी है, और कवि पद्माकर कहते हैं कि शेष नाम के जो फन है हजारों उसके ऊपर ये धरती जो है वो शोभित हो रही है। फबी का मतलब होता है शोभित, यानी धरती किस पर टिकी है, ऐसे एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ कवि कह रहा है कि कछुए पर वरा है, वरा पर शेषनाग कुंडली लगाकर बैठा है, शेषनाग के जो हजारों फन हैं और फैले हुए फनों के ऊपर ये धरती जो है वो शोभित हो रही है, यानी स्थित है, टिकी हुई है और अपनी शोभा को बढ़ा रही है, और भूमि में फमी है जी रजत बहार की, और ऐसी जो ये धरती है जो शेषनाग के फन पर शोभित हो रही है, ऐसी इस धरती के ऊपर जो है रजत पहाड़ अर्थात चांदी का पहाड़, कौन सा, कैलाश पर, जहां भगवान शंकर विराजते हैं, तो ऐसी इस धरती के ऊपर जो है कैलाश पर्वत जो है वो शोभित हो रहा है। कैलाश पर्वत जो है इस धरती पर शोभित है, रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक, और ऐसे उस कैलाश पर्वत के ऊपर, क्योंकि कैलाश पर्वत बर्फ का बना हुआ, हिमालय पर विद्यमान है, बर्फ जैसा है, बर्फ का बना है, तो दूर से वो चांदी की तरह चमकता है, तो रजत पहाड़ की तरह लगता है, ऐसे उस रजत पहाड़ अर्थात कैलाश पर्वत के ऊपर शंभु सुर नायक देवादिदेव भगवान शिव जो है वो विराजते हैं, शोभित होते हैं, यानी कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जो है वो निवास करते हैं, भगवान शंकर जो है वो शोभित हो रहे हैं, और सब ऊपर ज्योति जटा झूठ है अपार की, और भगवान शंकर के शिव के ऊपर जो है उनकी जटा जो है अपार जटा, वो जटा जो है शोभित हो रही है। कैलाश पर्वत पर शंकर शोभित हो रहे हैं और भगवान शिव के ऊपर जो है उनकी अपार जटा जो है उसका झुट जो है वो शोभित हो रहा है, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो जटाधारी है, तो भगवान शंकर की जो जटा है वो उनके सिर पर शोभित हो रही है, और सबु जटा झटन पर चंद की छुट्टी है, और भगवान शंकर जो है उनकी जटा के ऊपर जो है चंद्रमा शोभित हो रहा है, क्योंकि भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा जो है वो विद्यमान है, तो भगवान शंकर की जटा पर जो है चंद्रमा जो है अपनी छटा को बिखेर रहा है, अपनी कला को बिखेर रहा है, चंद्रमा की कलाएं जो है वो शोभित हो रही है, क्योंकि भगवान शंकर क्या है, जटाधारी है, और भगवान शंकर के शेर पर चंद्रमा जो है वो विद्यमान है, तो चंद्रमा जो है उनकी जटा की शोभा को बढ़ा रहा है, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है, और चंद्र की छटा पे छटा है गंगाधार, और ऐसे उस चंद्रमा की छटा के साथ साथ गंगा जो है उसकी जो छटा है वो भी शोभित हो रही है, क्योंकि भगवान शंकर ने गंगा को अपने शरीर पर धारण किया था, तो एक तरफ तो चंद्रमा है, एक तरफ गंगा है, इस तरह से चंद्रमा के साथ साथ गंगा जो है उसकी छटा भी जो है भगवान शिव के शरीर पर उनकी जटाओं में शोभित हो रही है, इस तरह से गंगा किस
प्रकार जो है भगवान शंकर की उस जटा को शोभित कर रही है, किस तरह से भगवान शंकर के सिर पर गंगा जो है शोभित हो रही है, गंगा की उस छटा का उस शोभा का जो है यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर अलंकारिक वर्णन किया है। तो यहाँ इस कवित के अंदर ब्रज भाषा में कवि छंद के माध्यम से कवि ने जो है पृथ्वी की स्थिति को बताते हुए और किस प्रकार से भगवान शंकर के सिर पर गंगा जो है वो शोभित हो रही है, अपनी छटा बिखेर रही है, उसका बहुत सुंदर अलंकारिक वर्णन किया है। अनुप्रास रूपक और अतिशोक्ति अलंकार जो है यहाँ शोभित हो रहा है और साथ ही साथ भाषा से भी सरल सहज प्रवाह में सरस एवं भावों के अनुरूप भाषा शैली का जो है कवि ने यहाँ प्रयोग किया है। तो व्याख्या की दृष्टि से भी और निबंधात्मक प्रश्न दोनों की दृष्टि से ये जो पाठ है महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान में रखें। शेष जो दो कवित बच गए हैं, कल हम अगले दो कवित